इतना नहीं है। अच्छा इतना नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स आप भाई हैं तो अच्छे से जानते होंगे। यस बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जी। और मेरी जो स्क्रिप्ट मेरे साथ जो मुझे झेला है जिस इंसान ने पूरा 1.5 साल, हाँ इस दोनों स्क्रिप्ट में मुझे झेला है, मतलब मुझे सफेद आदि कहते हैं, मुझे झेलना आसान नहीं है, तो मैं उस बंदे को ऊपर बुलाता हूं। अच्छा कहां है? अमित खान, अमित जी को बुलाओ। अच्छा झेला है सर, प्लीज वेलकम, प्लीज आइए सर। ओके क्योंकि इसमें मैंने क्योंकि मेरे फाइट के कुछ अलग से कुछ सीन्स थे मेरे। ओके और फाइट्स के लिए मैं कुछ हम लोग बाहर से कुछ मैनेज कर रहे थे कुछ चीजों को लेके। वाओ कुछ लोग अमेरिका से आ रहे हैं, कुछ हम लोगों ने यूरोप से माल्टा से लिए हैं हम लोगों ने। क्या बात है। कुछ लंदन से हमने फाइट मास्टर्स बुलाए हैं यूके से। तो भी प्लानिंग बहुत खतरनाक चल रही थी क्योंकि हम लोग उस पर 1 साल से काम कर रहे हैं, ऐसा वैसा चाहिए। तो उसके लिए हम निशान जी का कहता एक बार लंदन भी भेजा मैंने उनको सामानों के लिए फाइट मास्टर को। तो जाकर आए तो प्लीज निशान खान जी बुलाइए। फाइट मास्टर लंदन से आए सर, हाउ आर यू, क्या बात है। एक फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा टास्क है। ये मतलब जो ये सफर है मिले फिल्मों को लेके बाकी चीजों को लेके। थैंक यू। सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है इस इंडस्ट्री में इज यू हैव अ चूज अ बेटर टीम, बेटर टीम, बेटर एक्टर्स यू हैव अ चूज। इज अ वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। मैंने बहुत सारे एक्टर को चूज करना। कुछ एक्टर मैं पंजाब से लाया हूँ, जैसे पंजाब में क्या चल रहा है कि सिंगर ही एक्टर है, ये हमारी थोड़ी गलत चीज है जी, पंजाब जी, में सिंगर ही एक्टर है जी। मैं उल्टा करके लाया हूं, मेरा एक्टर सिंगर है गगन संधु इज ओहो इज माही। क्या बात है भाजी। और मेरे एक एक्टर और आ गया है, आ गए जी, आ गए हैं लेट। रितेश प्लीज कम द स्टेज। तो टीम चूज करनी बड़ी हार्ड होती है और एक्टर तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो एक्टर को जो आपकी स्क्रिप्ट समझ सके और आपका जो विजुअल समझ सके बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे आनस के लिए मैंने 1-6 महीने मेहनत की, उसको अभी तक समझ में नहीं आया। ये हमारे जो डायरेक्टर है ना, एक पहले संजय खान साहब जी थे एक डायरेक्टर, हाँ। जो मतलब मूड से काम करते थे। इंडस्ट्री में जितने भी मीडिया वाले हैं सबको मालूम होगा कि वो किस मूड से काम करते थे, मतलब जो चीज करनी है करनी है। हम लोगों ने यूरोप में शूट किया था, इन्होंने 3 दिन हमारे पास प्राइवेट एयरपोर्ट था जिसमें 30 एटलीस्ट हम लोगों ने प्राइवेट प्लेन्स रखे हुए थे। 2 दिन का शूट था एक शॉट के लिए, तीसरे दिन फिर इन्होंने किया। मतलब जो चाहिए मतलब उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। So, इनके साथ काम करने मजा आता है। ओके बस तो फिर मुझे पाजी मिले, पाजी ने पहले तो मौका दिया मुझे, थैंक्स टू यू पाजी। और उसके बाद फिर पाजी ने मिलवाया मुझे इनसे, तो इन्होंने काफी सारे कंसेप्ट मुझे बताए तो मुझे पसंद आया। तो रियल अब सारी स्टोरी अभी बता दूंगा तो फिर देखने में कुछ नहीं रहेगा, तो लेट्स सी। और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। Spent in Hungary below the line and above the line. And this 30% can go up to 37.5% based on the Hungarian spend. I mean, in case you shoot part of your films in Hungary and part of your films abroad, even some part of your costs spent abroad also qualifies for Hungarian rebate. So that's why the final amount on Hungarian spend can go up to 37.5%, which is pretty rare, I am sure, in the world. It is unparalleled in Europe for sure. I mean, this is one of the incentives, a very important incentive. Casting का एक मैं कम से कम 6 महीने से लगा हूँ casting के लिए, दोनों film के लिए। तो बहुत tough और बहुत सारे actors से हो गया है। 90% मैं 28 को शूट कर रहा हूँ बॉम्बे में। यहाँ पे मेरा आज मकसद यही था कि मैं कास्ट लॉन्च नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी आज, मैं क्योंकि कुछ सारा कुछ आज ही कर दूंगा तो फिर 28 को क्या करूँगा, जाने से पहले क्या करूँगा। मैं नवंबर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर यहाँ पे शूटिंग इन द एंग्री, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर दोनों फिल्में। और 28
दिस मंथ 28 आई विल शूट इन वन एंड टू सॉन्ग इन हियर, दो गाने में यहाँ शूट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 28 को ही कास्टिंग लॉन्च करूँ तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है क्या? Well, somebody told you I'm part of the project. Yes, I heard so. Well, I am, you know, I am here as a part, and as he said that, you know, everything has to be disclosed only on one particular day, which is very 28th, which is very important for, you know, him also and for all of us. So yes, rest assured that उस दिन आपको सब सब कुछ पता चल जाएगा. आप लोग बड़ा कुछ करने वाले. देखिए, टाइटल रख लेना बहुत आसान है ना, और जैसे एक हॉरर फिल्म है और एक माही से आप तो जान ही लोगे कि रोमांटिक टाइटल है एक. इसके लिए जो स्टार कास्टिंग है वो चूज करनी मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. और जहाँ तक ख्याल है विक्रम बाजी की सोच का, तो उनकी सोच में ये है कि चाहे आर्टिस्ट नया हो या पुराना हो या उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, लेकिन आर्टिस्ट होना चाहिए. इनकी नज़र है परख करने वाली, तो ये बहुत सारा धमाका होने वाला है. दोनों फिल्मों में आप बहुत सारे नए चेहरे भी देखोगे और काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपको रिवील होंगी, जैसे बताया कि 28 को सारा कुछ आपको हो जाएगा रिवील. थैंक यू. दिसंबर के एंड तक एक फिल्म हमारी कंप्लीट होगी, और जनवरी में मिडिल जनवरी फॉर सेकंड मूवी अब 100% कंप्लीटेड. मैं क्योंकि मेरा 40 आई एम शूटिंग इन द 40-45 डेज इन द हंगरी, एंड बिफोर आई एम नेक्स्ट ईयर फॉर द फैब आई विल शूट इन द पंजाब. बाकी पंजाब में शूट कर रहा हूँ मैं सारा. पंजाब में मेरा 20-22 दिन का पंजाब में शूट है. ऑलमोस्ट मैं फरवरी एंड तक मैं दोनों फिल्में कंप्लीट कर दूंगा, दोनों की दोनों फिल्में कंप्लीट हो जाएंगी मेरी. और पहले मैं जो रिलीज करने के मूड में हूँ हॉरर सीजर फर्स्ट करने के मूड में हूँ, और सेकेंड माही. ये तो बहुत जरूरी था और ये होना ही था आखिर में, क्योंकि क्या है कि कॉन्सेप्ट जो है वो आज की तारीख में कॉन्सेप्ट ही मेन चीज है. आपने देखा होगा पिछली कुछ फिल्में आई हैं जो कॉन्सेप्ट इतने ब्रिलियंट रहे, तो उसमें डेफिनेटली ऑफकोर्स कास्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बट कॉन्सेप्ट कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है, रीजनल में तो और भी अच्छी अच्छी कहानियां हैं और जो कि ट्रू स्टोरीज हैं, तो क्यों ना उसको यू नो एक्सप्लोर किया जाए. और अभी जब इतना अच्छा चांस मिल रहा है हंगरी में शूट करने का, तो वो क्यों ना वो स्टोरी जाके ऐसे लोकेशंस पे की जाए जो लोगों ने देखी नहीं हो और वो कनेक्ट कर सकें उससे, तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप. बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए ये, एंड एज अ प्रोड्यूसर बहुत सी चीज़ें ध्यान में रख के सोचना पड़ता है कि ये ऐसा करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट होगा. ठीक है, बहुत सी ऐसी बातें हैं कास्टिंग को लेके सब कुछ, एंड ये एक आसान नहीं है. बट पूरी टीम है मेरे साथ, आप सब लोग हो, पूरी टीम है, तो थैंक यू सब टीम को. क्या बात है, थैंक यू वेरी मच. सब लोग हैं तो फिर ऑफकोर्स बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा. एंड एक आखिरी बात, मैं आज यहाँ पर हूँ. एक बात कही है किसी ने कि बिहाइंड एवरी मैन देयर इज ए सक्सेस, बिहाइंड एवरी सक्सेस मैन सक्सेस देयर इज अ वुमेन. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, मेरे सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड हैं. ठीक है, आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ. बहुत ऐसे बोलते हैं, सोचते हैं कि नहीं लेडी है, नहीं ये आपको नहीं वर्क करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, सबकी अलग अलग थिंकिंग है. सो आई विश कि आप सबको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी और बहुत जल्दी हम शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं. क्यों नहीं मैम, एक रोमांटिक से निकल के हॉरर में जाना बहुत डिफिकल्टी मेरे लिए, उसको मेरे लिए आसान नहीं था, और मेरे को आसान करने वाला थे मिस्टर अमित खान जी, इज वेरी गुड राइटर. इनकी बहुत 100 सुपर बुक्स आ चुकी, नॉवल आ चुकी हैं, क्योंकि हॉरर के बहुत स्पेशलिस्ट हैं ये हॉरर के. तो इन्होंने मुझे रोमांटिक में, मैं खुद गुरु हूँ, लोग मुझे लव गुरु कहते हैं, मैं खुद मानता हूँ मैं खुद रोमांटिक हूँ. तो मुझे हॉरर का बहुत खौफ था, पर हॉरर मेरे एक ऐसे दिमाग में बैठी कि हॉरर करनी थी मेरे को बहुत, और दोनों साथ में करनी थी, और मुझे फुल जो सपोर्ट दी वो अमित खान ने दिए. और दोनों ही कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है, दोनों बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है जी, बहुत डिफरेंट है एकदम. थैंक यू पाजी.